आईपीएल सीजन 13 में क्या रोहित शर्मा के राम लखन का खेल चमकेगा? क्या मुंबई इंडियंस एक बार दोबारा खिताब जीत पाएगी? क्या मुंबई इंडियंस के लिए राम लखन की ये जोड़ी एक बार फिर कमाल और धमाल करेगी? और साथ ही राम लखन के साथ साथ हनुमान का क्या कुछ रोल होगा? ये कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज मैं इस क्रिकेट के मैदान से आपको दूंगा। आप समझ ही गए होंगे कि रोहित शर्मा के राम लखन यानी कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या और हनुमान यानी कि क्रियान पोलार्ड। साल 2012 का फाइनल मैच अगर आप याद करें तो वहाँ पर हनुमान जी ने मुंबई इंडियंस की रक्षा की, यानी पोलार्ड ने एक ऐसी पारी खेली एक ऐसे ट्रैक पे जहाँ पे बॉल टर्न कर रहा था, बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था और वहाँ पे 41 नॉट आउट बना के उन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अब ये मुंबई इंडियंस के हनुमान यानी कि क्रियान पोलार्ड इस समय CPL में रनों की बरसात कर रहे हैं, बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं और एक हाथ से छक्के मार के इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दुबई के मैदानों पर, अबू धाबी के मैदान पर या शारजाह के मैदान पर वो क्या कुछ करने वाले हैं। UAE की पिचेस उनकी बैटिंग स्टाइल को बड़ा रास आएगी, इसलिए मैंने पहले हनुमान का जिक्र कर दिया क्योंकि अभी करंट फॉर्म के लिहाज से मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर क्रियान पोलार्ड को देख रहे हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा शायद इसी वजह से अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नीचे उनके पास एक ऐसा फिनिशर है जिसकी वजह से वो पारी की शुरुआत कर सकते हैं इस IPL सीजन 13 में। अब हम बात कर लेते हैं राम और लखन की यानी कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस IPL सीजन 13 में कि दो ऐसे भाई जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, लॉकडाउन में जबकर उन्होंने अपनी फिटनेस में काम किया और उसकी झलक नज़र आती है जब मुंबई इंडियंस के प्रैक्टिस सेशन के वीडियो हम देखते हैं, जिस तरह की नेट सेशन मुंबई इंडियंस कर रही है और वहाँ पर जो जो रोल स्पेसिफिक तौर पर कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या को दिया जा रहा है। हार्दिक पांड्या की बैटिंग हमने देखी, मुंबई इंडियंस का एक छोटा सा कैंप लगा था मुंबई में तब उनकी पहली झलक मिली थी और अब लगातार हमें अपडेट्स मिल रहे हैं अबू धाबी से जहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में मुंबई इंडियंस तैयारी कर रही है और इन दोनों भाइयों को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया है रोहित शर्मा ने। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये राम लखन की जोड़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगी IPL सीजन 13 में। कृणाल पांड्या जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, ज़्यादातर बॉल उनका अंदर आता है और जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं नीचे के ऑर्डर में, लेफ्ट हैंडर होने का एक बड़ा फ़ायदा उनको मिलता है। ये सारी चीज़ें रोहित शर्मा के जहन में, और रोहित शर्मा जो प्लान करते हैं अपने मैचेस के बारे में, अपने ओपोनेंट के बारे में, वहाँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल वो देकर रखते हैं इन दोनों भाइयों को, यानी कि हम बात कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या की कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के लिए वैसे भी ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 महीने के बाद वो किसी बड़े टूर्नामेंट में मैदान पर उतरेंगे, उनकी बल्लेबाजी पर स्क्रूटनी होगी, उनकी गेंदबाजी पर स्क्रूटनी होगी, उनकी फिटनेस लेवल कैसा है ये देखा जाएगा और कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस के लिए क्या वो वही कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं जो पिछले कई सीजन से वो देते आए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। और साथ ही कृणाल पांड्या चाहेंगे कि T20 की जो भारतीय टीम बनती है उसमें वो अपनी जगह को सीमेंट करें क्योंकि अभी भी कभी अक्षर पटेल आ जाते हैं टीम में, कभी रविंद्र जडेजा आते हैं और कभी कृणाल पांड्या आते हैं, यानी कि एक तरह का रोटेशन चलता रहता है। लेकिन अगर आपको जगह पक्की करनी है तो ये IPL सीजन 13 इन क्रिकेटर्स के लिए खास तौर से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रोहित शर्मा यही चाहेंगे कि उनके राम लखन और हनुमान तीनों चलें और पाँचवीं बार वो मुंबई इंडियंस के लिए खिताब जीतने में कामयाब रहें क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ना सिर्फ वो चार चार ओवर आपके लिए बॉल डालेंगे बल्कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो गियर शिफ्ट करके आपके लिए बड़े बड़े शॉट्स खेल के बड़े रन भी बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मुंबई इंडियंस के तीनों ऑलराउंडर इतना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं मुंबई इंडियंस की टीम जब मैदान पर उतरती है कि बाकी की टीमें इन्हीं तीनों खिलाड़ियों के इर्द गिर्द रणनीति बनाने में लगती है और वहाँ से फिर रोहित शर्मा का जो मास्टर क्लास है, जो रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर आके, वो मुंबई इंडियंस के लिए चीज़ें बहुत आसान कर देता है। तो किसी भी टीम के पास अगर तीन क्वालिटी ऑलराउंडर है तो आप अंदाज़ा लगाइए T20 फॉर्मेट में उसका रिकॉर्ड क्या होगा। और शायद इसीलिए मुंबई इंडियंस आज टॉप पर है और 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस की पहली झलक आपको मिल जाएगी कि इस सीज़न 13 के लिए उनकी टीम और उनके खिलाड़ी कितने तैयार हैं क्योंकि सामने पिछली बार की फाइनलिस्ट चेन्नई सुपर किंग होगी और रियल टेस्ट कहता है आपके, जब बड़ी टीम सामने हो तभी आपके खिलाड़ियों का रियल टेस्ट होता है। तो इस रियल टेस्ट के लिए मुंबई इंडियंस पूरी तरह से तैयार है, हम आप भी तैयार हैं राम लखन और हनुमान को देखने के लिए।